नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जीवन का सूरज ढलने से पहले आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, नहीं तो दोस्तों आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये जो समय है आपके जीवन में 8:49 से आप लोगों को सावधान रहना होगा और ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका भुगतान आपके साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है और आप बुरी आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी की सबसे खास बात रहने वाली है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बड़े योग आपके जीवन में पड़ रहे हैं, कौन से बड़े बदलाव आप लोगों के लिए अब होने वाले हैं। इसलिए आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर प्रकार की जानकारी उन्हें समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है अवश्य लिखें ताकि माता रानी की सीधी कृपा आपके ऊपर पड़ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं अगले इन 24 घंटों के बारे में। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कड़ी मेहनत करने के बाद में दोस्तों पैसा कमाता है। बहुत जल्दी पैसों की महत्वपूर्ण समस्या आप लोगों की पूरी होने वाली है। दोस्तों, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दोस्तों, आज की बड़ी खुशखबरी, कोई भी पुछतैनी विवाद आपसे असहमति और दोस्तों समझने के सुधार है। पारिवारिक जरूरतों को घर के विस्तार संबंधित कार्यों की भी योजनाएं बन रही हैं और क्रियान्वित भी होने वाली हैं। आप अपने कार्यों की व्यस्तता तथा पारिवारिक जीवन के माध्यम से नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप लोगों को साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता अब पड़ने वाली है। जीवन में चल रही समस्याओं का भी महत्वपूर्ण हल आप लोगों को मिलेगा। भोलेनाथ की भी कृपा आप पर बनी है। याद रखें कि गीता में खुद लिखा है कि मेहनत करने वाले पैसे बहुत जल्दी ही भले उन्हें ना मिले लेकिन उनकी किस्मत देर से ही सही पर बहुत लंबे समय के लिए चमकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपके जीवन से बड़ी समस्याओं का हल होगा। लोगों के साथ अच्छे संबंध मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही लोग जानते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, वे आप लोगों के जीवन में नए परिवर्तन करने के कारण आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं। समय अनुकूल है, काम करते रहिए, ये सुख आप लोगों के जीवन में नए परिवर्तन लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अब आप सफल होने वाले हैं। सफलता और असफलता जीवन के दो सबसे प्रमुख पहलू होते हैं। जब भी आप किसी काम को करेंगे तो आप तो या तो उसमें सफल होंगे या फिर आप उसमें अनुभव प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है, या तो आप जीतते हैं या फिर आप कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, और कहते हैं कि यदि आप सीखने के बाद में जीतने का प्रयास करेंगे तो आप अवश्य से जीतेंगे। इसीलिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति एक बार यदि असफल हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए बल्कि उसे अपने अनुभव के साथ में अधिक मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए दुनिया कहती है कि मेहनत के साथ में जो सबसे बड़ी चीज काम आती है वह होती है अनुभव। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, आने वाले अगले 24 घंटे में एक इच्छा आप लोगों की पूरी होने वाली है जो आपका जीवन बदल कर रखने वाला है। दोस्तों, कार्यों पर ध्यान दीजिए, जीवन कालों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए कर्म पर ध्यान दीजिए। यदि आप दोस्तों इन चीजों के बारे में जान लेंगे तो आप लोगों का समय काफी अनुकूल रहने वाला है। व्यर्थ की बातों में अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। दोस्तों, आप प्रत्यक्ष कार्य करिए तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। आलस्य और लापरवाही, इन दोनों चीजों से दोस्तों आप लोगों को विशेष तौर पर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आपकी आय में वृद्धि के चांस काफी हद तक नजर आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बड़ी डील फाइनल हो सकती है। इसके साथ ही अच्छे व्यापारी पार्टनर भी आप लोगों के साथ में मिल सकते हैं। छोटे बच्चों के पेट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसे लेकर के लापरवाही करना बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। दोस्तों, एक अनमोल विचार आप लोगों के साथ में रख रहे हैं, बहुत ध्यान से और कान लगा कर सुनिएगा। आपको सही जीवन जीने के लिए 3 मंत्र आपको दे रहे हैं।
दोस्तों, यदि आपने इन तीन बातों को ध्यान में रख लिया तो आपके साथ कभी भी कोई विश्वासघात नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये रहने वाला है कि आनंद में कभी किसी को आपको वचन नहीं देना है। कई बार हम बहुत मस्ती में होते हैं तो किसी को भी दोस्तों प्रॉमिस कर देते हैं, बाद में जब हमें इस बात का होश आता है कि हम इसे पूरा शायद नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब करती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आनंद में कभी किसी को वचन ना दें। दोस्तों, दूसरा है कि क्रोध में कभी भी आप किसी को उत्तर मत देना। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रोध हमें एकदम से आ जाता है और खास करके आपके राशि वाले जातकों को। ये दोस्तों अलग तरीके का आप लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है चीज़ों का, लेकिन इसी क्रोध के बीच में यदि आपने किसी को गलत बात बोल दी तो पूरी जिंदगी के लिए उसके दिमाग पर वह चीज़ बैठी रहेगी, हमेशा उससे छुपती रहेगी और दोस्तों इसके कारण ही आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और दोस्तों दूसरा पॉइंट यही है कि क्रोध में कभी भी किसी को आप उत्तर मत दीजिएगा। तीसरा पॉइंट रहने वाला है दोस्तों कि दुख में कभी भी निर्णय आपको नहीं लेना है। ऐसा कहा जाता है कि भावनाओं में बेहतर इंसान हमेशा गलती कर देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे सोचने समझने का नजरिया समाप्त हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही है या फिर नहीं। इसलिए आपको इन तीन बातों का अपने जीवन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि बातें पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको कुछ खास सावधानियां बता देते हैं और वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय तो है ही, तो कृपया करके आप इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। और दोस्तों, जो लोग भी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें हमारी यही सलाह है कि कंप्यूटर का समय काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो दोस्तों डेटा लॉस होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये निश्चित कर लेना है कि आपका जो भी पार्टनर है वह ईमानदार है या फिर नहीं है, वरना आगे जाकर के स्थितियां बिगड़ सकती हैं। छोटी मोटी बातों को आपको इग्नोर करना काफी बेहतर रहेगा, वही वाद विवाद जैसी स्थितियां बन रही हैं तो आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखना होगा। बैंक बैलेंस के ग्राफ को बढ़ाने के लिए फोकस करिए, क्योंकि दोस्तों जीवन में कहीं कुछ काम आएगा तो वो केवल पैसा ही काम आएगा और पैसों से ही व्यवहार बनते हैं। हर समस्या का समाधान रुपये ही होता है, तो पैसा कमाने पर आपको ध्यान देना होगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि हम पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को समय ना दें, आराम ना करें। ये चीज़ें दोस्तों अपनी जगह पर हैं और पैसा कमाना अपनी जगह पर है, हमें अपने परिवार अपने बीवी बच्चों को ध्यान रखना होगा। नए कार्यों की तरफ आप अग्रसर हो सकती हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को ये बात भी हम बताना चाहते हैं कि आपके कार्यों को लेकर के कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतर होने वाली है। किसी भी दोस्तों बाहरी इंसान की बात ना माने। घर के बारे में दोस्तों, यदि आपको कोई किसी अपने लोगों के खिलाफ भड़काए तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। आप जिस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दीजिए। और दोस्तों, अपने पारिवारिक जीवन में यदि आप बात करें तो कोशिश करें ऐसी बातें घर के बाहर ना जाएं। यदि पत्नी या फिर बच्चे को डांटना है या कुछ भी आपको समझाना हो तो कोशिश करें ये बातें आपके घर तक ही रहें, ये बात बाहरी लोग ना सुने। दोस्तों, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। यदि आप घर में किसी का दोस्तों विवाह लगा रहे हैं या फिर रिश्ता लगा रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, गुप्त योजना बनी है, तो ये कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों ऐसे लोगों को ना बताएं जो आपकी बातें इधर से उधर कर देते हैं, आपको नुकसान करने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी विशेष और खास जरूरत हो तो दोस्तों वो बहुत ही खास और निजी लोगों को ही बताएं, तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको एक खास उपाय बताते हैं जो आपकी बाधाएं दूर करेगा व शत्रुओं को नाश करेगा। यदि आप शत्रु को जानते हैं, पहचानते हैं, नाम भी जानते हैं, जो भी शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आपको जितने भी शत्रु को जानते हैं उतना आपको गड्ढा खोद देना है, छोटे छोटे गड्ढे 6 इंच गड्ढा कर देना है। लेकिन दोस्तों, ऐसी जगह पर करना है जहाँ कोई देखे नहीं, रोके टोके नहीं। और दोस्तों, वहाँ पर आपको 40 चावल के दाने ले लेने हैं और 38 उड़द के दाल के दाने ले लेने हैं आपको, और उसका नाम लेकर के गड्ढे में दोस्तों रख देना है। याद रखिएगा, किसी की बुराई करने के लिए या फिर बुरा करने के लिए आप ये उपाय ना करें, लेकिन उसकी बाधा आपके घर से, आपके सर से और आपके परिवार से उतर जाए, ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी खास रहेगा।
ईश्वर का स्मरण करें और उन चीजों को मिट्टी में दबा दें। शत्रु का नाम लेना है बार बार और ये कह देना है कि हे भगवान, इस व्यक्ति की गलत दृष्टि छाया हमारे सर से हटा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों जय श्री राम जय बजरंगबली का ध्यान करते हुए आप ईश्वर से क्षमा मांगे कि यदि आपने कुछ गलती की हो तो भगवान आपको क्षमा करे और आपको सुख फल की प्राप्ति दे। दोस्तों आज हमने जाना कि किस प्रकार आपके अपने लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और आप इन लोगों से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे बजरंगबली, हमारी और हमारे संतान की रक्षा करें, आपकी अति कृपा होगी अवश्य लिखें।